नमस्ते जी, आप देख रहे हैं चले ट्रेकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। और इस बारी हम पहुंच गए हैं तपोवन जोशीमठ कुआरी पास ट्रैक करने के लिए, वो भी विंटर सीजन में DIY स्टाइल में। खैर, तपोवन तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी देहरादून से सुबह 5:30 बजे शुरू करी थी। ये बस मसूरी बस स्टैंड से चलती है और सीधा तपोवन ड्रॉप करती है। आपका जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि तपोवन में रहने के लिए होटल एंड होम स्टेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसी के साथ आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक का वो है करची विलेज, और यहाँ पर भी होम स्टेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और कल हम अपने ट्रैक की शुरुआत करेंगे, तो बहुत एक्साइटमेंट बनी हुई है, देखते हमारा ट्रैक कैसा जाता है। तो चलते हैं। कल दिन से ही काफी बर्फबारी हो रही है। ऊपर कैंप साइट्स पे हमें मैसेज आया था कि 2 से 2.5 फीट बर्फ गिर चुकी है कैंप साइट पे, तो काफ़ी सोच में पड़ गए हैं कि ऊपर हमें ट्रेल पे कितनी बर्फ मिलेगी, कितना चैलेंजिंग, कितना डिफिकल्ट रहेगा ट्रैक। वेदर एकदम क्लियर दिख रहा है, अच्छा मौसम है, तो आज निकलते हैं टाइम से कुआरी पास के लिए। हम अभी पहुंच गए हैं करची विलेज में। यहाँ पर बैठ के अभी ब्रेकफास्ट किया है और अब जो लास्ट मिनट पैकिंग हो रही है, लेयरिंग चेंज हो रही है, क्योंकि विंटर सीजन है, अच्छी ठंड है, बर्फ पड़ी है 2 दिन पहले, तो एक विंड चीटर और फ्लीस के साथ ट्रैक शुरू किया जाएगा। तो चलो चक्को फिर। गराट यहाँ पर है, मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा कि गराट क्या होती है। लोकल लोग यहाँ पर अपने जो अनाज है, गेहूँ है, उसको पीसने के लिए लेकर आते हैं, और बहुत पुरानी पानी से चलने वाली तकनीक के ऊपर ये गराट बनाया जाता है। आज का जो हमारा ट्रैक रहेगा वो जाएगा फर्स्ट कैंपसाइट पे, जो कि है अखरोट गेटा। वहां तक पहुंचने के लिए हमें 2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा करची विलेज से कैंपसाइट तक का। हाइट गेन 2000 फीट की रहेगी। शुरुआत में इतने ग्रैंड व्यूज है, एक तरफ पे द्रोणागिरी है तो दूसरी तरफ पे माउंट कामेट के व्यूज है, और जो पूरा का पूरा ट्रेल है वो बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट से होते हुए जाता है। पहुंच गए हैं अखरोट गेटा कैंपसाइट, और मेरे पीछे वो अखरोट का पेड़ है जिसके ऊपर इस कैंपसाइट का नाम है। आज यहाँ पे हमारे इंडिया हाइक्स टीम का भी एक टीम रुका हुआ है और आज हम यहीं पे ही कैंप करेंगे। सबको बताना चाहूँगा कि हमने अपना ट्रैक जल्दी शुरू किया था और हम अच्छे टाइम से कैंप साइट पे पहुँच गए हैं। हमारा कैंप सेटअप हो चुका है और अब लेयरिंग करने के बाद, सेटअप करने के बाद बहुत भूख लगी है, अब हम चलेंगे पानी लेने के लिए। और पानी लेना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली विंटर सीजन में, क्योंकि आसपास के पानी के सोर्स थोड़े से सूख जाते हैं, तो हमें नाले की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे पानी मिल जाए। हाथ एकदम फ्रीज कर गए हैं, पर बहुत अच्छी बात है कि हमें एक जबरदस्त पानी का सोर्स मिला है यहाँ पे। ध्यान से पानी लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत स्लिपरी है यहाँ पे, एक पैर फिसल गया तो सीधा पानी के अंदर। ओ, पानी बहुत ठंडा है।
चलेंगे कैंप साइट पे, अब खाना बनाते हैं। हम बना रहे हैं फ्राइड राइस इस टाइम पे, बस तैयार होने ही वाला है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अच्छा उबाल आ गया है, गर्मा गर्म फ्राइड राइस। एक बात जो खास ध्यान में रखने वाली ये है कि इस कैंपसाइट पे ठंड काफी ज्यादा होती है, तो अगर आप ऐसा पीक व्यूज को एंजॉय कर रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर लेयरिंग में जरूर रखें। जब आप शाम को इस कैंपसाइट पे खड़े होते हैं तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने इन सभी पीक्स पे बहुत खूबसूरत सनसेट होता है और आपको विंटर सीजन में वो प्यारा एल्पाइन ग्लो देखने को मिलता है। शाम के 8:50 हो रहे हैं, पीछे रेड फॉक्स की आवाज़ आ रही है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है अखरोट गिट्टा कैंपसाइट पे। पर कहानी में यहाँ पे अब एक ट्विस्ट आ गया, और ट्विस्ट ऐसा है कि परसों कुवारी पास क्लाइम करने के बजाय हम कल ही अपना समिट अटेम्प्ट करेंगे अखरोट गिट्टा कैंपसाइट से, क्योंकि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से परसों और उसके अगले दिन 90% स्नोफॉल दिखा रहा है, और उसकी वजह से हमें शायद अपना कुवारी पास मिस करना पड़ सकता है, जो कि हम नहीं चाहते। इस चीज़ के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हेल्थ, कहीं पर भी लगेगा कि अगर हेल्थ ठीक नहीं है, AMS के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहीं से ही टर्न अराउंड कर जाएंगे। सेकंड, यहाँ से शुरू करते ही टर्न अराउंड टाइम रखेंगे कि मैक्सिमम हमने कितने बजे तक पुश करना है और कितने बजे हमने वापस आना है अखरोट गिट्टा कैंपसाइट के लिए। एंड थर्ड है वेदर, जस्ट इन केस अगर वेदर ठीक नहीं रहता है, अगर वेदर कहीं पर भी चेंज होने लगता है या हैवी क्लाउड्स आने लगते हैं, तो हम वहीं से ही अपना प्लान चेंज करके वापस अखरोट गिट्टा कैंपसाइट आ जाएंगे। ये 3 बातों को ध्यान में रख के कल ही हम अपना कुवारी पास का समिट अटेम्प्ट करेंगे, और यही हमारा कहानी में ट्विस्ट है। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग एवरीवन। 23 January है, कुवारी पास समिट के लिए जा रहे हैं, ठंड हो रही है बहुत भयंकर। कामेट पर्वत पे, मंदिर माना पीक पे सुबह की किरण पड़ चुकी हैं। ओह माय गॉड, ओह थैंक यू। ओह तरस गए थे धूप के लिए। सुबह 5:30 जब से हम ट्रेल के ऊपर हैं, तब से लेके अब तक हाथ बिल्कुल नहीं महसूस हो रहे, टोज भी बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। पर एक चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश स्नो है और फ्रेश स्नो के ऊपर अब स्नो जो है वो बहुत तेज़ चमकेगी, तो अब सनग्लासेस का वक्त आ गया है कि सनग्लासेस हम कंपलसरी यूज़ करें इस ट्रेल के ऊपर। हम पहुंच गए हैं खुलारा मेडोज में, और अगर मैं एंड टू एंड इसको देखूं तो 1.5 फुटबॉल के ग्राउंड इधर आ सकते हैं। पूरी माउंटेन रेंज का व्यू मिलता है आपको इसी कैंप साइट से। पर हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हमने रूट खोलना है ऊपर। हमें पता चला है कि अभी तक कुवारी पास कोई नहीं पहुँचा, तो यहाँ से एक रिच क्लाइम तक रूट खुला हुआ है, उसके बाद रूट खोलना पड़ेगा। मेरे पीछे जो आपको अब ये मेडो दिख रहा है, यहाँ पे अब ट्री लाइन ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे अब सिर्फ मेडोज़ है और असेंट है। तो अब इस मेडोज़ में असेंट करते हुए रूट भी खोलना है, क्योंकि अब काफ़ी असेंट कर लिया है। लेट चेंज करते हैं, अब हमारी फेवरेट येलो जैकेट बाहर आ जाएगी, एक्शन मोड ऑन है।
जरा बताएंगे दिनेश जी कहाँ से खोले रूट? हाँ, उसके जस्ट बगल पे एक नाली सी है, हाँ, उसके इस तरफ से सीधे स्ट्रेट ऊपर को चले। स्ट्रगल इज रियल, रूट ओपनिंग आसान नहीं है। बड़े बड़े बोल्डर्स पे पता नहीं चल रहा कि पैर कहाँ पे, कहीं ज़्यादा डीप जा रहा है, तो ट्रैक पोल से चेक करना पड़ रहा है, ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में ट्रैक पोल को थोड़ा सा बार बार चेक करना पड़ेगा कितना डीप है। हर एक तरफ जहां पर भी मैं इस टाइम पे अपनी नजर डाल रहा हूं, एक वाइट शीट, एक वाइट ब्लैंकेट बिछा हुआ है पहाड़ों के ऊपर। और एक साइड से अगर मैं शुरू करूं तो ऑलमोस्ट 270 डिग्रीज का एकदम ब्यूटीफुल वाइड व्यू है ग्रेट हिमालयन रेंज का। ऋषिकोट, लकपक 1, लकपक 2, हाथीगौरी पर्वत, बर्मल, नीलगिरी, माना मंदिर पर्वत, अभिगामिन, कामेट, नीलकंठ, नीलगिरी, उसके पीछे एवलॉन्च पीक, चौखंबा, उसके साथ केदारनाथ, केदार डोम और ना जाने कितनी और पीक दिख रही हैं शायद, जिनका मेरे को नाम भी नहीं पता। झंडी टॉप से अब हम आगे बढ़ते हैं कुवारी पास की तरफ। कुवारी पास पे भी अभी तक कोई नहीं गया है, तो पूरे का पूरा ट्रेल अभी भी स्नो से ढका हुआ है और रूट खोलना पड़ेगा, तो आगे चलते हैं। अभी अपने टर्न अराउंड टाइम को हिट कर चुके हैं। हम अटेम्प्ट कर रहे थे यहाँ से कुवारी पास क्लाइम करने के लिए, जो बिल्कुल सामने है यहाँ से, पर जितनी भी यहाँ से ट्रेल है रूट, इसको भी ओपन करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर स्नो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखी है, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे 2-2.5 फीट से लेके 3.5 फीट तक बर्फ इकट्ठी हो रखी है। कई बारी ट्रैक पे ऐसे मौके आते हैं जब बहुत ही क्रिटिकल और सूझबूझ के साथ डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा ट्रैक ऐसा नहीं होता कि आप आए हैं करके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए माउंटेंस में। इस पॉइंट पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि हम यहाँ से अपना जो ट्रैक है वो वापस हम मुड़ जाएंगे और अपने कैंप सेट की तरफ वापस बढ़ेंगे। ज़रा स्नो का आनंद तो ले लें। टू गुड, ओके, कुवारी पास, वेलकम बैक अगेन।
नमस्कार। बहुत मिस किया बहुत आ गए अच्छा था, काफ़ी लंबा दिन था और स्नो का जो मज़ा आया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ख्याल से जनवरी एंड फरवरी मेरा पर्सनल फेवरेट मंथ है स्नो को एंजॉय करने के लिए। तो DIY ट्रैक था ये हमारा, एंड क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप अपने खुद के हिसाब से प्लान करते हैं और वही मज़ा है DIY का, क्योंकि आप डिसीजंस लेते हैं खुद से और जो डिसीजन लेते हैं उसका जो रिज़ल्ट मिलता है आप उसको एंजॉय करते हैं। तो आज का दिन हमने बहुत एंजॉय किया। तो ऐसा है, आज जैसे कि वेदर प्रेडिक्शन में था, स्नोफॉल प्रेडिक्टेड थी आज की और कल के दिन की, तो स्नोफॉल ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम अपना सामान पैक करेंगे और उसके बाद डिसेंट स्टार्ट करेंगे अखरोट गिट्टा कैंप साइट से। वापस पहुंच गए हैं कड़छी गांव और यहां पे हमारा ट्रैक समाप्त होता है। और जो हमने पिछले 3 दिन के अंदर एक्सपीरियंस किया कुवारी पास ट्रैक पे, वो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था, यादगार रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये ट्रैक वीडियो बहुत पसंद आए। आप देख रहे हैं चले ट्रैकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ, हम फिर दोबारा लौटेंगे एक नए ट्रैक के साथ। थैंक यू सो मच।